सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत है और एक इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियो पे। तो आज हम फिर से करने वाले हैं कुछ मीट को बास्टेड और कंफर्म। तो पहला मीट है, न्यू घर के नीचे वाले फ्लोर से बाइक स्पॉन करे तो सेकेंड फ्लोर में बाइक आ जाती है। ओके, हमें क्या करना है, फर्स्ट फ्लोर से एक बाइक स्पॉन करना है। तो मैं 5000 डाल करके पल्सर 200 स्पॉन कर लिया और भाई ऊपर से भी एक आवाज आई। अरे भाई ये तो सच है भाई, सेकेंड फ्लोर में बाइक आ गया, लेकिन आया कैसे भाई? ऊपर तो छेद भेद कोई कुछ नहीं है, अजीब बात है भाई। देखो पूरा भाई रूप है, आया कैसे भाई? देखो एक बाइक आया मतलब और एक बार स्पॉन करेंगे तो और एक बाइक आ जाएगा ना। रुको और एक बार स्पॉन करके देखता हूँ। और देखो बाइक स्पॉन हो गया लेकिन नीचे ही नहीं आया, मतलब सेकेंड फ्लोर पे ही नहीं आया, ऊपर रह गया भाई। अरे गिर गया भाई, देखो गिरा तो अच्छा हुआ। तो भाई मैं क्या करूँगा अभी? देखो अगर बाइक स्पॉन हो सकता है ना तो कार भी स्पॉन हो सकता है। तो इस बार मैं कार को स्पॉन करूँगा, 500 डायल करके ओडी स्पॉन कर लिया। देखो ओडी तो स्पॉन हो गया लेकिन किधर हुआ अभी पता नहीं है, सेकेंड फ्लोर में जाने के बाद ही दिखाई देगी। और ओडी भी स्पॉन हो गया भाई, मतलब ऊपर स्पॉन हो गया सेकेंड फ्लोर में, लेकिन ये कैसे हो रहा है भाई? भाई मैं तो सियोर हूँ भाई, कुछ लोचा है यहाँ पे, शायद छेद वे थे ठीक है, लेकिन सेकेंड फ्लोर पे भी तो आना चाहिए था ना, अजीब बात है भाई। तो ये मीथ होता है कन्फर्म। दूसरा मीथ है, आरजीएस टूल्स में जाके बिना सेव को दबाए लोड दबाते हैं तो हम जमीन के अंदर चले जाएंगे। तो मैंने अपना पोजिशन बिना सेव करके लोड दबा दिया और मैं नीचे जाने के बजाय भाई ऊपर से गिर रहा हूँ। अरे गलत वलत कुछ हो गया क्या? कोई बात नहीं, और एक बार ट्राई करते हैं। मैंने इस बार गेम को रिफ्रेश कर लिया और फिर से रिस्टार्ट किया। अभी तो शायद वो ग्लिच नहीं होगा, मतलब ऊपर से नहीं गिरेंगे, अभी नीचे चले जाएंगे शायद, मुझे पता नहीं है। ये लोड दबाया और फिर से ऊपर से नीचे गिरने लगे भाई। भाई और एक बार नीचे गिर के नहीं मर सकता तो मैं गेम को ऑफ ही कर रहा हूँ। और ये मीथ होता है बास्केट। तीन नंबर मीथ है, अगर आप सुपर जेट पैक को मिक्स कलर करते हो तो वो मिक्स कलर नहीं होता है। तो सुपर जेट पैक का चीट कोड है 320। चलो स्पॉन हो गया और देखो इसका मिक्स कलर नहीं हो रहा है भाई, मतलब कलर तो हो रहा है लेकिन मिक्स कलर नहीं हो रहा है, जैसे सिंपल एक बटन की आती है ना वैसा ही हो रहा है। अरे भाई साहब RGB हो गया, और RGB होने के बाद तो भाई कलर ही चेंज नहीं होता है। रुको और एक स्पॉन करके देखता हूँ। अभी देखो इसका जो नॉर्मल कलर है ना, मतलब ब्लैक हो तो ब्लैक, ग्रीन है तो ग्रीन, जो एक पैटर्न की होती है वो तो हो रहा है, लेकिन मिक्स कलर करने पे भी सेम ही हो रहा है, एक पैटर्न की ही आ रहा है, जहाँ पे मिक्स कलर करने पे भाई दो तीन कलर एक साथ आती है। तो ये मीथ होता है कन्फर्म। चार नंबर मीथ है, बोलेरो के ऊपर हम खड़ा नहीं हो सकते, तो पहले हमें बोलेरो को स्पॉन करना पड़ेगा और बोलेरो का चीट कोड है 3100। अभी हमें इसके ऊपर उठना है और भाई ये बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ 320 या 330 डायल करना है और जेट पिक स्पॉन हो जाएगा, फिर इसको लेके इसके ऊपर उठ जाना। अरे अरे किधर जा रहे है भाई, थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है, मतलब मेरा जॉयस्टिक है या ऐसा ही ये प्रॉब्लम करता है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा जॉयस्टिक है तो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। इससे नहीं होगा भाई, समझ गया, मुझे बड़ा वाला स्पॉन करना पड़ेगा। अभी देखो आगे और थोड़ा सा ऊपर आना है फिर हो जाएगा, और ज़्यादा नहीं, अभी नीचे जाना है। लो परफेक्टली बैठ गया, ये उतर गया और खड़े होने का ट्राई कर रहा है लेकिन गिर गया। रुको रुको बैठ गया, शायद उठ सकता है, मतलब खड़ा हो सकता है, नहीं भाई फिर से गिर गया। तो ये मीथ होता है कन्फर्म। पांच नंबर मीथ है, घोस्ट राइडर बाइक और एरोप्लेन स्पॉन करके एक साथ बैठो और मैजिक देखो। रुको हमें थोड़ा फ्लैट जगह पे करना पड़ेगा, नहीं तो भाई इधर उधर हो सकता है, ये जगह अच्छा है। तो पहले घोस्ट राइडर बाइक को स्पॉन करते और घोस्ट राइडर बाइक का चीट कोड है 5555। चलो हो गया, अब इसके पास में हमें एरोप्लेन को स्पॉन करना है, मतलब प्लेन को, जिसका चीट कोड है 555। प्लेन तो स्पॉन हो गया लेकिन थोड़ा दूर स्पॉन हुआ, कोई बात नहीं, घोस्ट राइडर बाइक को थोड़ा पास ले आते हैं और हमें डरने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर घोस्ट राइडर बाइक से प्लेन ब्लास्ट हो जाता है तो फिर भी वो चलता है। अरे इतना पास लाया फिर भी नहीं आ रहा है, आ गया अरे फिर भाग गया। चलो दोनों में आ गया, मतलब दोनों में बैठ गया हम, कुछ तो नहीं हो रहा है, जैसा नॉर्मल होता है वैसा ही है, फर्स्ट पर्सन पे भी सिंपल है। तो ये मीथ होता है बास्केट। ऐसे और मीथ बास्टर्ड की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको अगर कुछ मीथ के बारे में पता है तो कमेंट करके बताओ।